हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग। और आज का जो ये वाला व्लॉग है, पीछे तो थोड़ा सा मैसी है, इसको इग्नोर कीजिए। ये वाला जो व्लॉग है, मैं आज अभी से शुरू कर रही हूँ। तो आज जो है, मुझे आईब्रो करने जाना है और थोड़ा सा डे आउट बोल सकते हैं, अ सोलो डे आउट, क्योंकि जब भी मैं निकलती हूँ अकेले तो निकलती हूँ, बट ज़्यादातर टाइम क्या होता है ना, मैं बताती हूँ कि हाँ, हस्बैंड साथ में है या फिर घर जाती हूँ तो कोई ना कोई साथ में रहता है, बट आज सोलो डे आउट है। जी हाँ, तो मैं अकेले ही जा रही हूँ। कुछ मेरा खुद का कुछ कुछ काम है जो मुझे करना है, और कुछ लाने के लिए है भी है, तो वो भी लाना है। डेफिनेटली आने के बाद आप लोगों से शेयर करूँगी, क्या मिलेगा क्या नहीं पता नहीं, निकलूँगी तभी पता चलेगा। अभी सुबह का टाइम है और जी हाँ, घर का काम थोड़ा बहुत हो गया है, पूरा पूरा नहीं हुआ है। आके मुझे फिर वापस कुछ काम है वो करना होगा, कुछ कुछ बाकी है वो मुझे करना होगा। तो चलिए निकलते हैं, आप लोगों को भी मैं लेके चल रही हूँ, आप लोग भी चलिए मेरे साथ। तो जैसा जैसा होगा मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि कैसा क्या है। कुछ कुछ सामान लेना है, उसमें से है बताओ नहीं, अगर मिलता है तो बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ना यही दिक्कत है, मिलता नहीं है। मतलब कुछ सोच के जाती हूँ और होता कुछ और ही है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आगे से बता के अगर ना मिले तो मेरा खुद का भी मन छोटा हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। तो चलिए जल्दी से निकलती हूँ, मैं ऑलरेडी रेडी हो गई हूँ। दिस इज माई आउटफिट फॉर टुडे, पूरा तो नहीं दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से है। तो चलिए मैं निकलती हूँ, नीचे मैंने जीन्स डाली हुई है और ठंड अभी थोड़ा कम हो गई है, पर ऐसा नहीं कि ठंड है ही नहीं, ठंड है। तो इसके ऊपर मैं एक जैकेट तो डेफिनेटली डाल लूंगी, अभी फैशन करने का कोई फायदा नहीं है, अभी थोड़ी दिन में ही ठंड चली जाएगी, इसके बाद देखा जाएगा। तो चलिए और नहीं बातें करूंगी, लेट्स गो। सुबह का नजारा, अच्छा खासा धूप पड़ रहा है, पर अभी मैं यहाँ पे बैठ नहीं सकती क्योंकि मुझे निकलना है। तो चलिए घूम के आते हैं। के पता ही चल रहा है, और स्वेटर मैं पहन ली हूँ क्योंकि ऑटो से जाने से ना जो हवा चलता है उसमें ठंड लगता है, तो उसके चलते मैं बात नहीं कर पा रही हूँ धूप में। तो चलिए आगे चल के फिर बात करते हैं। चलिए टोटो आ गया है। गई हूँ लग रहा है, अभी मार्केट बस खुल ही रहा है, लग रहा है कि थोड़ा जल्दी ही आ गई हूँ। देखती हूँ खुला है कि नहीं, नहीं खुला है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और नहीं तो दूसरी जगह पे देखना पड़ेगा। आई थिंक पार्लर नहीं खुला है, तब तक मैं मार्केट घूम लेती हूँ और आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। ओके, आ गई हूँ मार्केट के अंदर, और ये देखिए घड़ा टाइप का मैं देखती हूँ, घड़ा नहीं, इसको बंगाली में घोटी बोला जाता है, जो पूजा में लगता है ना,
उस तरीके से। तो मैं देख रही थी कि कोई नया कुछ आया है कि नहीं, प्राइस कितना है, कैसा नहीं। तो ये छोटे छोटे जो थे ना, ये कम से कम 180-185 इस तरीके के ही थे। तो मैंने लिया नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक है, पर मैं देख रही थी अगर कुछ अलग डिफरेंट मिल रहा है। हालांकि ऑफर यहाँ पे चलता नहीं है, ये कुछ इस तरीके का ही है, मॉल नहीं बोल सकती, बस 1 या 2 फ्लोर का ही है, पर सारे लगभग सारी चीज़ें ही यहाँ पे हैं। जैसे क्रॉकरीज में मैं ढूंढ रही थी कांच का बोल टाइप का, जिसमें दही वगैरह जमाया जा सकता है, तो मैं ये सब भी देख रही थी। ये सब ना नए आए थे वहाँ पे, और ये जैसे नया आया है, ये जैसे मैं देख रही हूँ ना अभी, ये वाला नया आया है, ये पहले नहीं था, और देख के मुझे अच्छा ही लगा, पर प्राइस ही था, बहुत ज़्यादा प्राइस था इसका। जैसे एक प्लेट ही मांग रहे हैं 200, 250, 300, 500, इतना छोटा छोटा प्लेट था, तो फाइबर का ही है लगभग। और ये ब्लैक वाला जो ब्लैक फिनिश का सब कुछ है ना, ये भी नया आया है, नया न्यू एडिशन है, ये सब पहले नहीं था, पिछले टाइम जब मैं आई थी तब नहीं था। तो ये ना कोई जैसे डिश वगैरह जैसे सर्व करने में वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया कलर खिल के आता है, पर मैं देख के ही जा रही हूँ, पर अभी डिसीजन में नहीं लेके आई हूँ इतना कुछ लेने के लिए। और जैसे ये डिनर सेट है ना कांच का, ऐसा भी मुझे प्लेट्स चाहिए, तो मैं बस देख रही हूँ कहाँ कम क्या ज़्यादा, मतलब देख के ही लेना चाहिए, जहाँ पे बेस्ट डील मिल रहा है वहीं से लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जगह पे चीज़ें मिल तो जाते हैं पर कम ज़्यादा की और क्वालिटी की भी बात होती है। जैसे इतना अच्छा क्वालिटी नहीं पर प्राइस बहुत ज़्यादा टैग करके रखा है, ऐसा आई थिंक नहीं लेना चाहिए, बट इट्स ओके। यहाँ पे यही है, यही मॉल चलता है, यहाँ पे प्लेट्स वगैरह के कलेक्शंस बहुत ज़्यादा है। जैसे ये वाइट वाला देखिए, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर इट्स ओके, अभी मैंने लिया नहीं, धीरे धीरे करके ही लेना होगा, इकट्ठे एक साथ इतना सारा चीज़ आई थिंक लेना सही भी नहीं है, कहाँ यूज़ करूँ कहाँ नहीं वो समझते समझते वो रखा हुआ रह जाता है, तो वो काम सही नहीं होता है कि बस लेके जाओ और रखे रहने दो, उसका क्या फ़ायदा, राइट। तो यहाँ पे ये सारे बॉटल्स मैं देख रही थी अचार ये सब रखने के लिए, ये बहुत अच्छा है, अच्छा होता है, ये नया ही आया है, मेरे पास ये भी है, पर मैं देख रही थी कि अभी प्राइस कितना चल रहा है ये सब का, तो मैं इसको मतलब ढक्कन खोल के देख ही रही थी। बाउल और कटोरी ना सिंगल नहीं दे रहे, मतलब जहाँ पे भी मैं देख रही हूँ वहाँ पे कम से कम 4 या फिर 6 के सेट में लेना होता है, तो जो बाउल चाहिए मुझे एक या दो ही चाहिए, एक होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, मीडियम साइज़ का, तो यहाँ पे वैसा कुछ मुझे मिला नहीं, देखूँगी नेक्स्ट डे अगर कुछ नया आ जाएगा तो। तो यहाँ पे बस मैं अभी देख रही हूँ और कुछ नया है कि नहीं। और नमक रखने के लिए और अचार रखने के लिए एक सिरेमिक जार भी आता है, तो वो सभी देख रही थी कि यहाँ पे नया आया हुआ है, मतलब ये सब ना पहले नहीं था जब मैं आई थी पिछले टाइम। मेरे वीडियोस अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपको पता होगा मैं पिछले टाइम मैं वीडियो यहाँ की बनाई थी, इतना डिटेल में नहीं बनाई थी हालाँकि, पर तब नहीं था, तो ये सब ना नया आया हुआ है, पर एक एक ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे है चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बस एक दो ठो ही रखा हुआ है, मतलब ये सब जार की बात कर रही हूँ। और डिनर सेट तो पूरा मतलब भर गया है, पहले इतना डिनर सेट था नहीं पर अभी बहुत सारे आ गए हैं, पर ऑफर कुछ नहीं है, तो देखूंगी अगर बाद में ऑफर में कुछ रहेगा अच्छा चीज़ तो कोशिश करूंगी। ये देखिए एक कटोरी मैंने लिया हुआ है, मतलब मैंने खरीदा नहीं है पर मैं देख रही थी, पर इसका ढक्कन जो है ना एकदम ढीला टाइप का है, और मैं पूछ रही हूँ कि इसका प्राइस कितना क्या है, इसका प्राइस कितना लिखा नहीं है, एक का 2 का 400 पीस, ये भी एक कटोरी है ढक्कन लगा हुआ, ये भी अच्छा ही है, और मैंने ज़्यादा नहीं देखा क्योंकि टाइम भी हो रहा था ना, घर भी जाना था और एक दो सामान मुझे बाहर से भी लेना था, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी किया,
और उधर से भी मुझे एक दो चीज़ लेना था, तो मैं जल्दी जल्दी उस काउंटर की तरफ मैं चली गई। इधर से मुझे कुछ सामान लेना है, देख के वो ले गई। तो वो सब हो गया है लेना, और यहाँ मेरा देखिए पार्लर खुल भी गया है, आईब्रो मेरा हो भी गया है, पर आई एम नॉट दैट मच सेटिस्फाइड। हो गया है आईब्रो, पर मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि इधर साइड का ना मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। पर ज़्यादा उठाने के बोलूँगी ना, जैसे अपर मैंने किया है, मेरा स्किन थोड़ा सेंसिटिव है, तो ऐसा थोड़ा बहुत हो जाता है, पर ये कुछ ही देर में सही भी हो जाएगा, नॉट वरी। और वो लोग कुछ लगा दिए हैं, तो आईब्रो लेके मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कभी कभी मैं घर पे ही कर लेती हूँ, जैसे अच्छा नहीं लगता है पैसा ऐसे ही देने के लिए, बट ठीक है, कभी कभी चलता है। जैसे एकदम भूत जैसा लग रही थी, इससे थोड़ा तो बेहतर ही है। कभी निकल रही हूँ, और एक सामान भी मैंने ले लिया है, दिखाऊंगी घर जाके। और थोड़ा बहुत कुछ लेना है वो भी लेके फिर जाती हूँ, फिर घर जाके बात करती हूँ। आ गई हूँ और एक मार्केट, एक दो सामान ले ली हूँ, और कुछ बाकी है वो लेना है। देखती हूँ यहाँ पे क्या मिलता है। यहाँ पे मैं बेसिकली आई हूँ क्लिप देखने के लिए, मतलब हेयर क्लैचर, पर पता नहीं मिलेगा या नहीं, या फिर प्राइसी होगा, पर एक बार चेक कर लेती हूँ। अगर मिल जाता है वेल एंड गुड, और नहीं तो मैं बाहर से ले लूँगी। देखती हूँ कैसे क्या मिलता है। ये सब कितने का है? वहाँ का काम हो गया मेरा, और ये मैं आ गई हूँ। इधर से ही जा रही थी ना, तो सोची कि ये मछली का जो मार्केट है, इसको भी थोड़ा सा देख लेती हूँ, अगर कुछ अच्छा मिल जाएगा ले लूँगी। पर इतना आज मन नहीं था कि मछली लेके जाऊँ सीरियसली, पर अच्छा रहता तो मैं ले लेती, पर अच्छा उतना ले ही लगा। ये सब लग रहा था बासी, मतलब बहुत दिनों के मछली मुझे लग रहा था। इट्स ओके, ऐसा ही देखते हैं, ऐसा ही है, क्योंकि बर्फ वाला मछली ही चलता है गर्मी में। और रू कितने रुपए किलो चल रहा है? 160 कतला। ये देखिए, ये ना एक सिख रेजिमेंट है, सेंटर बोलते रेजिमेंट सेंटर, देख ही पा रहे आप लोग नाम। यहाँ से जाते हुए ही रास्ते पे ये पड़ता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। अभी चलते चलते मैं जा रही हूँ पेट शॉप की तरफ। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे पेट नहीं इकट्ठे वो लोग रखते, कोई ऑर्डर करता है ना उस तरीके से वो लोग लेके आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये एक दो है डॉगी, ये नए आए हैं, पहले डॉगीज नहीं रखते थे वो लोग, धीरे धीरे रखना स्टार्ट कर रहे हैं, अगर कोई लेंगे तो ला के देंगे। एकदम छोटा सा घर जैसा है। ये देखिए दो तरीके के डॉगी भी रखा हुआ है। सबसे अच्छा मुझे लगता है ये रैबिट, वो लोग रैबिट भी पहले से बेच रहे हैं, मैं देखती हूँ। तो रैबिट यहाँ पे बहुत सारे लोग लेते हैं। ये देखिए अभी मैं आ गई हूँ नर्सरी, और ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है। जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब भी मैं आती हूँ। और रास्ते में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, गाड़ी जा रहा है, बट यहाँ पे ऐसा ही होता है, क्योंकि रास्ते के एकदम ऑपोजिट में ही ये है, तो थोड़ा नॉइज़ तो होगा। बहुत सारे ना पौधे नहीं थे, क्योंकि ठंड अभी जा रहा है ना, और नया सीज़न शुरू हो रहा है ना। पहले बहुत सारे फ्लावर्स के थे जब ठंड शुरू हो रहा था, पर मैंने तब नहीं लिया था, क्योंकि घर जाना था, ये सबका था, तो इसलिए। क्योंकि पौधा भी लगाया जाता है, तो उसमें पानी वगैरह, उसको सींचना, ये सब तो करना ही होता है ना। तो उसके चलते मैं अभी आई हूँ, देखती हूँ अगर ठंड का ही कुछ पौधा मिलेगा तो ले लूँगी। और मन है मेरा कुछ फ्लावर का ही पौधा लूँ। पहले जो मैं नहीं लेती थी ना, वही मैं ट्राई करूँगी। मैं नहीं लेती थी इसलिए क्योंकि वो दो दिन रहेगा, फिर नहीं रहेगा। पर देखती हूँ जो भी पौधा लेके जाती हूँ, उसमें कुछ बचता है कुछ नहीं बचता है, तो नॉर्मल सा बात हो गई ना कि जो बचना है तो वो बच जाएगा, और जो उतना नहीं टिकता है वो नहीं टिकता है। पर एक खाद का पैकेट भी मुझे लेना है, मैं आप लोगों से शेयर डेफिनेटली करूँगी।
और यहाँ पे बहुत जना थे, वो लोग भी पौधे ले रहे थे, वो भी ना वही फ्लावर्स के पौधे ले रहे थे। और ये जो सामने आप फ्लावर्स देख रहे हैं ना, ये रखा हुआ, ये वो ले रहे थे, पर ये बहुत ज़्यादा प्राइस था उसका। पर बहुत ज़्यादा प्राइस देखे अभी वो पौधा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ वो तो भी ठंड के मौसम का ही है ना ये, और ये शायद कुछ दिन चल भी जाता है उसके बाद। पर गर्मी में ना इतने सारे फूल नहीं खिलते, गेंदा खिलता है, पर गेंदा मेरा लेने का मन नहीं था, तो मेरा डालिया लेने का मन था, और जो सूरजमुखी की तरह छोटा छोटा दिखता है ना वो फ्लावर लेने का मेरा मन था, तो मैं वही देख रही थी बस अगर मिल जाता है तो। ये देखिए कितने सारे छोटे पौधे करके रखे हैं, और इसका प्राइस भी ना एकदम कम था, मतलब 15-20-25 में ही मिल जा रहा था, और इकट्ठे लेने पर ना और भी थोड़ा सा कुछ कम हो जा रहा था, क्योंकि वो लोग ले रहे थे तो मैं देखी थी। इस पौधे का नाम क्या है मुझे पता नहीं है, मैंने उनसे पूछना भी भूल गई, बट इट्स ओके। इसका फूल आई थिंक येलो कलर का होता है, डालिया है, अगर आप लोग, मैं अगर गलत नहीं हूँ, आप लोगों को पता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसमें से एक दो पौधा मैंने लिया हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। प्लीज़ वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, उसको वॉच कीजिएगा। और आज का वीडियो इतना लेंदी हो जाएगा मुझे पता नहीं था, खुद को थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी है मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक सभी को खुद को टाइम देना चाहिए, जिससे उनका उसका मन थोड़ा सा सही हो, और मुझे भी अच्छा लगता है थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसा। पर वीडियो लेंदी हो जाएगी मुझे पता नहीं था, मैं बस शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ। और इस वीडियो में कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा है ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि मैं जब भी कोई भी उस वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच जाए, ढूंढना ना पड़े, और ये बिल्कुल फ्री है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, नया चैनल है, और बस नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, वो बहुत जल्दी आ जाएगा। और यहाँ से जो पौधा मैं ली हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर डेफिनेटली करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और जो जो खरीदी हूँ ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये वाला पौधा भी मैंने लिया हुआ है, तो चलिए मिलती हूँ और एक नए यूजफुल वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय सियाराम।